कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। ज्ञान का सूरज जब भी चमका, राह हजारों हुई रोशन, कुछ तुम भी पढ़ो कुछ तुम भी पढ़ो, इन राहों ने तुम्हें बुलाया है। सुनो कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही। काटा है, अरे लड़की को क्यों डरा रही हो, काटा तो निकालो। ना बाबा ना, मुझसे ना होगा। या अल्लाह, ये कांटा है या कील? ओफो, कितना गहरा चुभाया काटा। अब ये लड़की भी तो आसमान की तरफ मुंह उठा के चलती है, चाहे इसके पांव जमीन पे पड़े या ना पड़े इसकी बला से। मैं तो काले पीले पंखों वाली चिड़िया को देख रही थी। तब तो मुझे कांटे से भी कहना था कि अभी मत गड़। अब बस भी करो, देर हो रही है, जल्दी चलो। जिसको देर हो रही वो जाए, लड़की के पैर के खून नहीं बंद हो रहा। और ये क्या किया आपा, मेले से नया दुपट्टा लाई थी, कम बखत कुछ दिन के लिए बिस्तर पर गई, अब इसे घर वापस लेके जाना पड़ेगा। लो, जरूरत थी डॉक्टर की और आ रहा है मास्टर। भैया देखो, सलमा दीदी, सलमा दीदी, सलमा दीदी। क्या हुआ सलमा दीदी, क्या हुआ? बेटा, आपकी सलमा दीदी ने नजरें आसमान पे करके चलती हैं, जमीन पे कांटा था चुभ गया। अरे जवानों की नजर आसमान पर नहीं होगी तो भला किसकी होगी, यही तो है उम्र खेलने कूदने की। चलो सलमा, मैं तुम्हें अस्पताल लिए चलता हूँ, और हाँ तुम सब लोग अपने काम पर जाओ, मैं सलमा को घर ही छोड़ दूंगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे आपा, ये क्या बात कर रही हैं, दुख दर्द में तो सभी को शामिल होना पड़ता है। आओ चलो सलमा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाकर डॉक्टर साहब को दिखा दूंगा, वो तुम्हारी अच्छे से मरहम पट्टी भी कर देंगे। सलमा दीदी पढ़ लिया ना, अस्पताल 2 किलोमीटर दूर है। वह बच्ची, हमें नहीं आता पढ़ना। ये कैसे हो सकता है, जब मुझे आता फिर आपको क्यों नहीं आता? लेकिन उसके लिए तो स्कूल जाना पड़ता है ना। वो तो है पापा, आप इन्हें अपने स्कूल क्यों नहीं बुलाते? मास्टर जी ने तो कई बार कहा हमसे। इस बार मैं कह रही हूँ आपसे। मैं तो कहती हूँ आदमी हो तो ऐसा, मास्टर जी जैसा। क्यों रूपा, लगता है रूपा का दिल मास्टर जी पे आ गया है। और तेरा हरी सिंह पर। देखो सोना, बेसिर पैर की बात तो उड़ाओ। मैं उड़ा रही हूँ शबनम। तो इल्जाम लगा रही हो? अरे अरे,
जो लाहो के धागों की तरह एक दूसरे में मत उलझो। जल्दी जल्दी पाँव बढ़ा लो। हरी सिंह की आँख लाल पीली हो रही होंगी। एक उसकी काली लाल पीली और दूसरी उसकी आँखें। चलो चलो, चलो, चलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हैं? तो आ गई पलटन, इतनी जल्दी क्यों आ गई? सलमा के पैर में कांटा चुभ गया था, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई एक उसके पास रुक गया था, बाकी तो सब टाइम पे आ सकती थी। मुंशी जी, ये रेलगाड़ी है, एक डब्बा पटरी से नीचे उतर जाए तो सारे डब्बे खड़खड़ा जाते हैं। हाय हाय, अरे तुम रेलगाड़ी की तरह ना आकर तुम्हें मोटर गाड़ी की तरह आना चाहिए, सब अलग अलग। भाई तुम्हारी ये गठजोड़ाई मुझे कतई पसंद नहीं है। मैं तो हरी बाबू से कई बार कह चुका हूँ कि इतनी सारी जुलाहियाँ एक ही गाँव की नहीं होनी चाहिए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है, अंगूठा टेको। अरे मुंशी जी, तब तक हमें अंगूठा टेक कहते रहोगे? है है है, जब तक तुम्हारे पास ये अंगूठा है और मेरे पास ये रजिस्टर। भाई रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा नजर नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, उसके तो पाँव में कांटा चुभ गया है ना। भाई कमाल है, काम बढ़ता जा रहा है और लोग कम होते जा रहे हैं। काहे भुनभुना रहे हो बाबू? मेरे दिमाग की भट्टी में तो ये भुनभुना रहा हूँ कि मैं हरी बाबू को क्या जवाब दूंगा। 200 दरियों का ऑर्डर आया, 200 दरियों का, और यहाँ यहाँ ये हाल है, है? किसी का सुई चुभ रही है, किसी का कांटा चुभ रहा है। कमाल हो गया, लगाओ अंगूठा। मुंशी जी, ऑर्डर आया है? हाँ ऑर्डर आया है, अरे 20 दिन हो गए उसे तो। किसी ने बताया नहीं? क्यों, तू यहाँ की गवर्नर है जो तुझे बताते? अरे उसे तो तब से मैं जेब में लिए घूम रहा हूँ, ये देखो। अब देखा है? अरे कह तो ऐसे रही है जैसे तुझे दिखा देता तो सारा पढ़ी डालती। ये बड़ी अ से अनार लिखा। अब लिखो आ से आम। अब लिखो ई से इमली। रुखसाना पा, सलमा के बारे में जानने आई है? सलमा के बारे में फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है। हम भी यही जानना चाहते थे आपा। सलमा को आराम की जरूरत है, हो सकता है महीना भी लग जाए। अब तो भुगतना ही पड़ेगा। पानी में पैर ना जाए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखूंगी। अरे बया दिखाई नहीं दे रही, कहीं किसी डाल पर बैठकर चहक रही होगी। वो तो चहक रही होगी, लेकिन तुम सबके चेहरों पर तो स्याही है। मास्टर जी, हरी सिंह का कारखाना तो कैद खाना है। हरी सिंह भाग गया तो सीताराम सियार, एक दहाड़ता है तो दूसरा हु हु करता है। अरे भाई आज क्या हुआ? मुंशी हमें बुनकर की बजाय अनपढ़ अनपढ़ कहता रहता है। अब ये भी कोई बात हुई? हम वहाँ बुनने जाते हैं, वेदशास्त्र का पाठ करने नहीं। भाई कहता तो वो ठीक ही है। लो अब आप भी सीताराम की जबान बोलने लगे। अनपढ़ कहकर वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एक अरसे से मैं तुम्हें रोक कर घेर कर और यहाँ तक की विनती करते करते थक गया कि पढ़ लो पढ़ लो। देखो पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती, पढ़ाई हमें जागृति देती है, वो हमें शोषण से बचाती है। अब जरा सोचो, अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो सीताराम के पास जाकर कहती कि खबरदार, अगर तुमने मुझे अनपढ़ या जाहिल कहा तो वो कुछ और कह देता। तो सोना मैं मानता हूँ कि वो कहता, लेकिन कहने से पहले 10 बार सोचता। अब जबकि मेरा केंद्र तुम्हारे रास्ते में आते और जाते दिन में एक बार नहीं दो बार पड़ता, क्या तुम पढ़ाई के बारे में एक बार भी नहीं सोच सकती? शोषण से मुक्ति तब होगी साक्षर जब दुनिया सब होगी, इल्म का हासिल नूर करो मजबूरी सब दूर करो, मजबूरी सब दूर करो। Thank you.
रुखसाना, सरकार तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्यों रुखसाना, आजकल सलमा नहीं आ रही? जी उसके तलवे में। मालूम है मालूम है, लेकिन अर्जी तो भिजवानी चाहिए थी ना। अरे सरकार, ये अर्जी कैसे भिजवाती? ये ठहरी अनपढ़, अंगूठा टेक। सही कह रहे हो सीताराम, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे सरकार, मैं तो हमेशा सही कहता हूँ। हाँ, और ये लोग अनपढ़ हैं और अनपढ़ ही रहेंगे। मुंशी जी से तो कह दिया था। मुंशी से? लेकिन मुझसे तो नहीं कहा था, मालिक तो मैं हूँ। अभी तो दूसरा ही दिन है, बुखार आ गया है उसे। अच्छा अच्छा, अभी टाइम लगेगा। 10-15 दिन से कम नहीं, शायद ज्यादा भी लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, जितना टाइम लेना है उसको बोलो टाइम लगा ले, जब ठीक हो जाए तो आके अपना हिसाब ले जाए। ये तो ज्यादती है हरी बाबू। ये ज्यादती करने के लिए ही तो मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक कहते हो आप, ज्यादती के लिए तो हो, 6 घंटे के बजाय 9-10 घंटा काम करवाते हो, महीने में 4 छुट्टी के बजाय 2 छुट्टी देते हो। हरी बीमारी में अगर खाट पे पड़ जाए तो उसके पैसे काट लेते हो, आपका जब दिल करता है किसी को भी निकाल देते हो। ये आज की बात नहीं है, बरसों से यूं ही चला आ रहा है, चाहो तो काम करो नहीं तो छोड़ जाओ। आपको मालूम है हरी बाबू कि हम काम नहीं छोड़ सकती, इसीलिए तो मनमानी करते हो। तो कर दो शिकायत, जा जाओ। क्यों सरकार? साहब ज्यादा से ज्यादा पैसे काट लो, लेकिन सलमा को काम से मत निकालो, तो बेचारी खाएगी कहाँ से। ये तुम जानो या तुम्हारी सलमा, हरी सिंह की जबान की बंदूक से जो गोली निकली तो समझो निकल गई। फिर सर पे चाहे किसी यतीम बच्ची का खून क्यों ना लगे। क्यों हरी बाबू? हरी बाबू, ये बुरा टेक तो ऐसे बकबक करती रहती है। आप चलिए। हरी बाबू अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अरे चिंता क्यों करती है, छुड़वा दूंगा, अभी तो देर से कोई बात भी तो नहीं हुई। अच्छा एक बात बता। क्या? तेरे साथ जो औरतें हैं वो आजकल क्या खिचड़ी पका रही हैं? सलमा को लेकर सब आपसे बहुत गुस्सा है। काफी गुस्सा है। शायद मिलकर सब कुछ करेंगी। शायद वो मुंशी जी के मुंह से एक दिन निकल गया कि जो शिकायत करनी हो कर लो, बस यही बात कांट बांधने चुलाई इन्होंने। ये मुंशी बाबी ना? अच्छा तो क्या करने को कह रही है वो? कुछ अर्जी फर्जी की बात कर रही थी। अरे ये सब फर्जी बातें होंगी, उन अनपढ़ों को तो पढ़ना लिखना आता नहीं, तो वो अर्जी कहाँ से लिखेंगी? हरी बाबू ये बात ना कहो, इन सब के पीछे उम मास्टर वा का हाथ है। उसको भी ठोकना ही पड़ेगा। नहीं हरी बाबू, सरकारी आदमी है, फंस जाओगे। अजीब अजीब सी बातें करता है, कहता है जब तक दस्तखत करना नहीं सीखोगी अर्जी नहीं लिखी जाएगी। फिर तो ये अर्जी कभी लिखी ही नहीं जाएगी, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब ये तो ना कहिए हरी बाबू, सारी औरतें वो किशन कन्हैया के चारों तरफ नाचने लगी हैं। पढ़ने के लिए जाती हैं संटरवा में, वो सदानंद के साक्षरता केंद्र में। और तुम? अब हम उन्हीं के साथ आते जाते हैं तो जबरदस्ती ले जाती हैं। हम बस लिखने पढ़ने जाते हैं, बखत पड़े पे काम आ सकता है ना। एक बात बोले हरी बाबू, आप सलमा को फिर से काम पे क्यों नहीं रख लेते? सुन, तू जा यहां से। दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो चौके आठ। अरे आओ भाई आओ। थोड़ी सी देर हो गई मास्टर जी।
थोड़ी देर ही सही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैं तुम्हें मना सका। आओ, बैठो सब। अब आपने भी तो शर्त ऐसी ही रख दी थी कि जब तक हम में से हर कोई अपना नाम अपने हाथ से नहीं लिख देता, आप हरी सिंह के खिलाफ अर्जी ही नहीं लिखेंगे। ये बताओ, ये शर्त कैसी थी? बहुत काम की थी। उससे ये पता चलता है कि छोटा सा नाम लिखने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या मालूम पड़ता है। पर ये किसने कहा कि अर्जी मैं लिखूंगा? उसे भी आप में से ही कोई लिखेगा। मास्टर जी, हम पर इतना भरोसा? अरे भाई, क्यों ना करूं। और सलमा, हाँ ये तो बताओ कि तुम्हारा पांव अब कैसा है? वो तो बिल्कुल ठीक है, अब हो भी तो गए हैं 2 महीने। अच्छा भाई, तो मेरा तो ये ख्याल है कि अब उस बारे में मुझे कोई जिक्र नहीं करना चाहिए, क्यों? चलो सलमा, अब उठो और ब्लैक बोर्ड पर लिखो शबनम। ये लो चाहो। शबनम। शबनम, वाह भाई, बहुत बढ़िया। चलो ताली बजाओ। देखो, ये एक लड़की का ही नाम नहीं है, शबनम का अर्थ भी बहुत अच्छा होता है। हाँ सोना, बताओ तो कि शबनम का क्या मतलब होता है? मास्टर जी, शबनम तो हमारे लिए शबनम है। हाँ, हमसे तो कटी कटी और मालिकों की तरफ झुकी झुकी। देखो रुखसाना आपा, ये बात बिल्कुल गलत है। अरे भाई, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मास्टर जी, मुझे पता है शबनम का मतलब। वो जो सुबह सुबह घास और पत्तों पर दिखती है, वो क्या कहते हैं उसको? ओस। जी जी मास्टर जी, ओस। बिल्कुल ठीक, शबनम यानी ओस, यानी जो हमें ठंडक पहुँचाए। अब सलमा ने लिखा शबनम और बिल्कुल ठीक लिखा, अब ओस कौन लिखेगा? मैं लिखूं मास्टर जी? हाँ हाँ लिखो शबनम, ये लो चौक। बिल्कुल सही। शबनम, शबनम रानी। हरी बाबू ने पूछा है, हैं? उनकी फैक्ट्री में बुनने तो आती हो, मगर उनकी जिंदगी की झीनी चदरिया को क्यों उधेड़ कर रख दिया? और उन्होंने सलमा जैसी मासूम की रोजी रोटी पर जो लात मारी, उसका क्या? अरे अरे, नाराज क्यों होती हो, नाराज क्यों होती हो? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम फिर से आना शुरू तो करो, शाही बाबू का वादा है। अब कोई सौदेबाजी नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं मुंशी जी। जीडियो के भी पर निकला है। अब आप सब ध्यान से सुनो। चलो रूपा, आगे पढ़ो। जी मास्टर जी। 3 साल से हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई है और महोदय, हमें 10-10 घंटों तक काम करना पड़ता है, जबकि नियमों के मुताबिक ड्यूटी 6 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। अर्जी भेजकर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। मेरे ख्याल से रूपा ने जो इस अर्जी में लिखा है, उसमें हरी सिंह की सभी ज्यादतियों का जिक्र हो गया है। अब आपको एक काम करना होगा। क्या? आप इस अर्जी पर अपने अपने दस्तखत कर दें। लो रूपा कलम।
लो आप भी। तुम सब जा सकते हो। नमस्ते नमस्ते। आज मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। मैंने कुछ लोगों की मदद की है। जिनकी मैंने मदद की है उन्होंने मेरी मदद भी की है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अर्जी लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अर्जी लिखकर रूपा कितना उत्साहित थी। बया उस अलड़ को प्यार करती है, दोनों कितना खेलते हैं। मैं उससे कभी नहीं कह पाऊंगा कि बया को मां की तलाश है। आप मुझे अच्छे लगते हैं, ये बात मैं आज इसलिए कह पाई क्योंकि आपने मुझे पढ़ना सिखाया। अगर मैं लिख ना पाती तो शायद ये कभी न कह पाती कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। रूपा, आओ आओ रामदुलार, आज यहाँ कैसे? शिकायत आई है। शिकायत? साफ साफ बताओ। आपके खिलाफ। गुमनाम? नहीं, नाम के साथ। किसने की शिकायत? सोना, रुखसाना, सलमा, रूपा, इनके दस्तखत हैं। इन अनपढ़ों के? अरे सरकार, इन्होंने अंगूठा लगाया होगा। दस्तखत हैं ठाकुर साहब, पूरे नाम के साथ। याद आया, एक रोज शबनम ने मुझसे कहा तो था, लेकिन मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। खैर इंस्पेक्टर, इस अर्जी वर्जी से कुछ होता है क्या? देखो हरि बाबू, यह इंडिया है, या तो यहाँ कुछ होता नहीं, लेकिन जब होता है तो बड़े बड़ों को जेल की हवा खानी पड़ती है, समझे आप? अरे भाई सीताराम, ऐसे खड़े क्यों हो? जाओ ना इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ ठंडा छंडा कुछ खाने को लाओ ना भाई। ला भी ला। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आगे क्या करना चाहिए? अभी तो मेरे स्तर का मामला है, मैं सुलट लूंगा। अगर आगे कुछ बात हुई तो। अरे अरे, आपके रहते बढ़ेगी क्यों इंस्पेक्टर? फैक्ट्री इंस्पेक्टर। हाँ भाई भाई, जुलाइनों का इतना रगड़ना ठीक नहीं है, 6 घंटा कानूनन है, 1 घंटा और बिठा लो। और हाँ, उस सलमा को क्यों निकाल दिया? अगर कोई 2 दिन नहीं आएगा तो उसे। इंस्पेक्टर ये चुड़ैले, दिमाग में गर्मी मत चढ़ने दो, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। थोड़े बहुत पैसे बढ़ा दो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कैसा बढ़िया उपाय सुझा देते हैं। और हाँ, गाली देना कम करो, ये भी एक शिकायत है। इन अंगूठा टेको ने तो अच्छा दरेरा कर दिया है। चलो भाई सीताराम, अभी ना जाने क्या क्या देखना बाकी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके लिए मैंने खास कश्मीरी सूत का कालीन बनवाया, वो तो लेते जाइए। अरे सीताराम खड़े क्यों हो? जाओ ना जल्दी से वो खास कश्मीरी कालीन लाके दो ना। अरे ठाकुर साहब, आज नहीं फिर कभी, अभी तो मुझे एक कमरण पर और जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। सीताराम, ये इंस्पेक्टर तो बहुत परम चीज है। इस बार इसे बड़ी हड्डी चाहिए। देखा नहीं कैसी लार टपका रहा था। 15 दिन से ऊपर हो गए लेकिन अर्जी का जवाब नहीं आया। देखो अर्जी का जवाब आया या नहीं, लेकिन सलमा को मुंशी घर से बुला के लेके गए काम पे।
वैसे भी मुंशी ने उल्टा सीधा बोलना छोड़ दिया है और अब तो सही मेहनताना भी मिलने लगा है। अब तो कुछ पैसे भी बढ़ाए हैं हरी सिंह ने। अंदर ही अंदर कोई बात तो जरूर हुई है। एक अर्जी से अगर बात नहीं बनी है तो हम दूसरी लिखेंगे, तीसरी लिखेंगे। अब तो वो अंधेरा भी नहीं रहा, अब तो हम अनपढ़ भी नहीं रहे हैं। Hey, guys.